हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकेंड। आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है और आपकी वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 में, और 3 में है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो बुक में लिखा है यही आप अपनी बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, और नोटबुक में चैप्टर का नेम डालिए। वर्ड मीनिंग मैंने आपको करा दी है, तो वर्ड मीनिंग भी अगर नहीं हुई है तो आप वर्ड मीनिंग कर लीजिए। ओके, वर्ड मीनिंग कर लीजिए और इसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर जो इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, उसको मैं फिल करके भी आपको सेंड करूँगी। उस आप देख के अपनी बुक में प्लस अपनी नोटबुक में, दोनों में आप वर्क करेंगे, और दोनों में वर्क करने के बाद मुझे सेंड भी करेंगे। आपकी बुक में भी कंप्लीट होना चाहिए और आपकी नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। ओके, और आप क्या करेंगे, राइटिंग भी बहुत ध्यान देंगे। आप राइटिंग को अच्छे से लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर डालेंगे, आप पहले चैप्टर नेम, उसके बाद में आप वर्ड मीनिंग अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप वर्ड मीनिंग डालेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर डालेंगे, और क्वेश्चन आंसर को अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। तो हमें नोटबुक में प्लस बुक में दोनों में वर्क चाहिए। ओके, दोनों में आप वर्क करेंगे और राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो, और आपकी ये क्या कहते हैं मात्राएँ भी उसमें सही लगी हों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो वर्क नहीं करते हैं। कल से मैं देखूंगी, सभी का नोट करूंगी, ठीक है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, तो सभी बच्चों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर आपका आता है क्वेश्चन फर्स्ट, और मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया था। वैसे तो आप सबको क्वेश्चन आ रहे होंगे और आपको ये अपने आप से ही करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि खीर बनाने की बात किसने सुझाई, किसने सुझाई थी खीर बनाने की बात। तो सभी जो जंगल के जानवर थे वो सभी कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि चलो, जो पशु पक्षी थे वो कह रहे थे आज चलो हम छुट्टी का दिन है, आज हम लोग वन में कुछ आराम करते हैं। फिर कुछ जीव जंतु तो कहते हैं हम आराम करना चाहते, लेकिन कुछ बोलते हैं आज रविवार है और छुट्टी का दिन है, हम लोग मौज मस्ती में बिताना चाहते हैं। तो सभी ने मिलके क्या किया, खीर बनाने की बात किसने सुझाई आपका क्वेश्चन है, और सभी ने मिलके क्या प्लान बनाया, चलो आज हम लोग पिकनिक मनाते हैं। तो पिकनिक मनाने के लिए जब सभी वहाँ पे जो पशु पक्षी थे सभी जब इकट्ठे हो गए, तो उसमें जब सभी ने सोचा और सब ने मिल के प्लान बनाया पिकनिक का, तो उसमें एक बिल्ली थी, उसका नाम था पूसी, और उसी ने बोला कि चलो आज हम क्या है खीर बनाने की बात खीर बनाते हैं। तो खीर बनाने की बात किसने सुझाई, बिल्ली ने। सभी ने तो पिकनिक का प्लान बनाया था, बट बिल्ली बोली कि आज हम लोग खीर बनाते हैं। तो ये बात किसने सुझाई थी, बिल्ली ने, और उसका नाम क्या था, पूसी था। ओके, पिकनिक किस पेड़ के नीचे मनाई गई। अब सभी जब खीर बनाने के लिए सोचने लगे, तो सभी लोग सोचे कि क्या करते हैं, कहाँ खीर बनाई जाएगी जिससे पानी भी ना आए और धूप भी ना लगे, और एक ऐसी जगह हो जहाँ बहुत घनी छाया हो। तो सभी मिलके कहाँ पहुँचे, बरगद के पेड़ के नीचे। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, पिकनिक किस पेड़ के नीचे मनाई गई, तो इसमें आंसर लिखेंगे बरगद के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाई गई। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, सबके मुंह में पानी क्यों आ गया। अब जब खीर बनके तैयार हो गई, तो जब सबने उसकी खुशबू को सूंघा, वो खीर जब बनी और उसकी खुशबू बनने के बाद चारों तरफ उड़ रही थी, तो जब खुशबू उड़ रही थी, तो जब सबने खीर को सूंघ लिया, यानी कि सब सबको उसकी खुशबू लग गई, तो सबके मुंह में पानी आ गया, ये सोच के कि अभी ये हम लोग खीर खाएंगे और खीर कितनी टेस्टी होगी, जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो उसकी जो टेस्ट होगा वो कितना अच्छा होगा, है ना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकी मेहनत कैसे रंग लाई? तो कैसे मेहनत रंग लाई, सभी जो पशु पक्षी थे सबने अपना अपना काम बांट लिया था। उसने कहा, गिल्लू गिलहरी ने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, हम लाते हैं मेवे लाते हैं। गिल्लू गिलहरी तो मेवे लाने लगी। चीकू ने बोला मैं चावल ले आऊँगा। और चूहा कहता है, और चींटी ने बोला कि हम चीनी लाएंगे। और उसने कहा, चीकू बोला कि मैं चावल और इलायची लाऊंगा। तो चींटी ने कहा कि मैं तो चीनी लाऊंगी। गिल्लू बोली मैं सूखे मेवे लाऊंगी। और चिड़िया ने बोला कि हम जलाने के लिए लकड़ी लाएंगे, जो उसमें जलावन दिया है, जलावन मीन्स होता है जलाने के लिए लकड़ी। तो उसने कहा कि हम लकड़ी ले आएंगे। तो सभी जब पशु जितने थे और छोटे जीव भी थे उसमें, वो सभी जब बेचारे सामान के लिए गए तो वहाँ से बड़ी मेहनत से वो लोग सामान लेके इकट्ठा किया, बड़ी मेहनत से वो लोग सामान लेके आए। तो जो सामान लेके आए तो वो बेचारे बहुत थक गए थे, इसलिए उन कहा गया कि मेहनत रंग लाई। तो जब सबने मेहनत से सामान इकट्ठा किया, एक छोटी सी चींटी होती है वो, उसको देखो कैसे एक एक दाना लेके चलती है ना। और चिड़िया एक एक बार में एक एक छोटा छोटा सा टुकड़ा लेके उड़ेगी। तो उन लोगों ने जब इतनी मेहनत की, और चूहा चावल लाएगा तो थोड़े थोड़े चावल लेके आ पाएगा, है ना। तो जब उन लोगों ने मेहनत की तो खीर बहुत अच्छी बनी। जब उसमें सब कुछ पड़ गया तो खीर बहुत अच्छी बनी। तो जब खीर अच्छी बनी और जब हमें मेहनत का फल मिल जाता है तो यही बोलते हैं कि देखो मेहनत रंग लाई। तो उनकी मेहनत क्यों रंग लाई? क्योंकि उनकी खीर बहुत अच्छी बनी थी, है ना। तो मेहनत रंग लाई। तो सबकी मेहनत कैसे रंग लाई? सबकी मेहनत रंग लाई क्योंकि खीर थोड़ी देर में बनके तैयार हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, सबने मेहनत से सामान इकट्ठा किया यानी एकत्र किया और खीर बनाई, थोड़ी देर में खीर बनकर तैयार हो गई, तो इससे सबकी मेहनत रंग लाई। ओके, फिर आता है क्वेश्चन, लोग पिकनिक क्यों मनाते हैं? तो भाई लोग अपनी मौज मस्ती के लिए, हंसी खुशी के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनको हंसी मजाक या खुश रहने का टाइम ही नहीं है। तो वो लोग अपनी हंसी खुशी और मौज मस्ती करने के लिए कि चलो आज सारे कामों से छुट्टी और आज हम लोग मौज मस्ती करेंगे, तो सभी लोग मौज मस्ती करने के लिए पिकनिक मनाते हैं। ओके बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को नोटबुक में भी लिखेंगे और बुक में भी लिखेंगे। दोनों में लिखने के बाद में चैप्टर का नेम डालेंगे, चैप्टर डालेंगे, उसके बाद में अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं लिखे हो तो वर्ड मीनिंग लिखो। वर्ड मीनिंग लिखने के बाद में इन क्वेश्चंस को लिखो। क्वेश्चन को लिखने के बाद में आप हमें भी सेंड करो। तो नोटबुक में भी वर्क करके सेंड करना है और बुक में भी वर्क करके सेंड करना है। ओके बच्चों, ओके।